खिलाया हुआ हाँ दुनिया में भटकता ही रहा है, दोबारा टेस्ट आएगा नहीं। अच्छा, ये क्या है मटेरियल किसी को सर हानिकार नहीं करेगा। अच्छा, मतलब फायदे में क्या क्या फायदा करेगा इसके? पहली बात तो आपको पेट के मरीज नहीं बनेगा भाई जिंदा, ये कहानी मेरी जिंदा रही, मैं अपने हाथ कटवा सकता हूँ लेकिन बता नहीं सकता। हाय फ्रेंड्स, देयर होस्ट हजम ऑपरेटिंग वेल। सो गाइस, आपने टाइटल और थंबनेल देख के तो समझ ही लिया होगा कि आज हम जाने वाले हैं भगत जी के पास, ग्वालियर के फेमस गोलगप्पे के पास, जो मतलब 10 के ओनली 3 गोलगप्पे देते हैं। मैंने देखा था वीडियो में, अब देखते हैं अभी करंट में कौन सी क्या चल रहा होगा, कितने की देते हैं 10 रुपये की, और मतलब 10 की 3 बस। और मतलब उनका बहुत और भी चीज़ें हैं, मतलब वो 18 प्लस वालों को भी पिलाते हैं और आधार कार्ड चेक करते हैं। और चलो चलते हैं, कैसा क्या है। मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ और वो 12 बजे से स्टार्ट कर देते हैं काम करना, मतलब तैयारी करना शुरू कर देते हैं, और 1 बजे शायद पानी रेडी करते हैं, तो उनका मेन पानी है। और चलते हैं अपन, मेरे दोस्त से पता किया था कि, तो दोस्त ने बताया था 1 बजे वो पानी स्टार्ट करते हैं प्रिपेयर करना। तो ये इनकी शॉप लगती है गोले के मंदिर पर, जो भी ग्वालियर में है तो वो भी जा सकते हैं वहाँ पर एक बार ट्राई करने। तो चलिए अपन चलते हैं आज। सो गाइस, हम आ चुके हैं यहाँ पे भगत जी के यहाँ, और ये लगे हुए हैं दोनों ठेले, आपने पहचान ही लिए होंगे कुछ ऑडियंस ने और कुछ ने नहीं, उनके दो ठेले हैं। सो दो ठेले इसलिए क्योंकि एक ठेले पे मतलब नॉर्मल लोग, मतलब वुमेन भी खा सकती हैं और क्या कहते हैं बच्चे भी खा सकते हैं, और एक ठेले पे मतलब जो 18 प्लस वाले होते हैं आधार कार्ड दिखा के वही खाते हैं। सो ये है दोनों ठेले उनके, और बस अभी भगत जी आए हैं, आधा घंटा हुआ आए हुआ है, और ये उनकी चटनी वगैरह जो भी सामान वगैरह उनका, और बस अभी वो कहीं गए हैं, आते हैं थोड़ी देर से, फिर बस पूछते हैं उनसे क्या क्या कैसा क्या सिस्टम है उनके यहाँ। और ये हैं ठेले उनके यहाँ, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। ये देखिए पूरा मतलब बोर्ड टाइप का बनाया हुआ है, आप अपने सामान की स्वयं रक्षा कीजिए, भगत जी कोई जवाबदारी नहीं होगी, 20 रुपये से सिर्फ 6 गोलगप्पे सिर्फ पुरुषों के लिए। ये है भगत जी का ठेला, और ये है चटनी वो जिसका पूरा खेल है, और चटनी मिला दी इसके, कंप्लीट हो गया। अच्छा, सो इसमें रखी है चटनी, और मतलब बहुत बड़े बड़े कैंपर हैं चटनी के, जो थोड़ा सा निकाल के रखा हुआ है। और जी आ चुके हैं अपने भगत जी थोड़ा आ जाइए, नमस्कार। सो गाइस, हम आ चुके हैं भगत जी के यहाँ, और भगत जी मिल चुके हैं अबे। सो भगत जी, आपका पूरा नाम क्या है? हमारा नाम छोटेलाल बघेल है सर। अच्छा, देख लो सर, हाँ ये लिखा है नाम। और तो भगत जी, हाँ तो आप कितने साल की उम्र के थे तो आपने मतलब ये काम? मैं आपको डिक्लियर तो बता नहीं पाऊंगा, ये उस समय उम्र थी हमारी 15 या 16। सो मतलब आपके माइंड में ये बिजनेस कैसे आया? कैसे आया ये काम? तो मेरा दोस्त का था, मेरा नहीं था। अच्छा। हम तो साहब ये ट्रेन में चना बेचते थे भिंड वाली में। अच्छा। वो मेरा दोस्त था। अच्छा। लेकिन दोस्त ऐसा था, वो सर इतना दिमाग का तेज था कि मैं आपको उसके बारे में बता नहीं पाऊंगा, इतना दिमाग का तेज, लेकिन उसके अंदर लत गलत थी, नशे वगैरह जी। अच्छा। उसको क्या है, दो पगुआ तो शाम को लगते थे, एक शाम के मैं आके क्या बोलता हूँ, हम एक ही कमरे में दो जने रहते थे पार्टनरी से किराए से। अच्छा। एक दिन उसमें हमें आप उसमें हत्तापाई हो गई सर आपके पीछे। अच्छा, अच्छा। लेकिन वो काम उसने छोड़ा नहीं, पीना छोड़ा नहीं, दिमाग का इतना तेज था सर, वही काम ही करता था, उसका ही काम है। अच्छा। इतना दिमाग का तेज था कि जी पोठा का हवाई जहाज बना के तैयार उड़ा दे, कम से कम 3 किलोमीटर ऊपर जाके सेलवा में जाको में मतलब कर कर रुई के पोठे का हवाई जहाज बना के उड़ा दे, तो इतना मतलब दिमाग का तेज था। बिना बैटरी लगाए कछु करते जा, पता नहीं है का करा तो वो। अच्छा, ये मैं जानता हूँ सर, मैं हकीकत बता रहा हूँ कि इतना दिमाग का तेज था दोस्त मेरा। तो अभी वो हैं? है गए। अरे हाँ, वो तो बहुत इतना टाइम हो गया उन्हें, उन्होंने तो कम से कम 20 साल करीबन हो गए। अच्छा, इतना तेज था वो काम ये करता था। तो भाई इससे आप ये भी सीख सकते हैं कि अगर शराब वगैरह पीते हैं तो बहुत बेकार रहता है वो अपने शरीर के लिए। तो उसने हमारे दोस्त ने हमारी बात मानी नहीं सर, एक दिन हमें आपस में उसे हत्तापाई भी हो गई, मतलब दोस्त थे आपस में एक होएगा फिर होएगा एक, हम एक दिन मारा मूरी भैया, लत लग जाती है ना तो मतलब आदमी फिर उसने शराब नहीं छोड़ी सर, आगंदा एंड यही निकला, उनको मरना ही पड़ा। फिर मैं क्यों झूठ बोलूँ, उसने मेरे को दोस्त ने ये पूरी गिरा की पूरा बात, उस समय मैं कारखाने को उसने मेरे को दे दिया। अच्छा, तो उनने आपको ये सब चटनी वगैरह बताया? कछु उसका दिमाग है, कछु मेरा दिमाग है। मतलब ये काम तो कितने साल से लगा रहे हैं आप ठेला यहाँ पे? सन 84 से यहाँ पे नहीं गोले बंदर थे। अच्छा अच्छा, नहीं यहाँ से यहाँ पे एक साल भाई साहब। अच्छा अच्छा, तो गाइस एक साल हुए यहाँ पे आए हुए, और
आप अपनी जो चटनी है जो आप कहाँ से सीखा, मतलब कहाँ? ये नहीं बताऊंगा सर। नहीं मतलब आपके माइंड में मतलब कहाँ से जो मेरा दोस्त का देन है। अच्छा, उनने बताया था पूरा सिस्टम। अच्छा, ये क्या है, मटेरियल किसी को सर हानिकारक नहीं करेगा। अच्छा, मतलब फायदे में क्या क्या फायदा करेगा इसके? पहली बात तो आपको पेट के मरीज नहीं बने होगा भाई जिंदा। अच्छा, पेट का मरीज इस केस नहीं बन सकते, और ये छाले वगैरह होते हैं, और ये शुगर भी आगे नहीं बढ़ेगी, और आपको किसी को शुगर है उसको ठीक नहीं होगी। अच्छा, कंट्रोल हो जाएगी। राइट सर, आप सुंदर भी हैं और बात करने में भी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं। आप भी बहुत अच्छे हैं, और कहते हैं बस मतलब आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी, ख़त्म नहीं हो सकती। अटैक में भी यही है, आप किसी डॉक्टर से सलाह ले लेना कि मिर्ची खाने से अटैक रुकता है कि नहीं, मतलब पसीना शरीर का निकल जाता है। और इसके अंदर सर ओरिजिनल काम है एकदम, कोई दोष वाला काम। देसी जड़ी बूटियाँ हैं, मतलब देसी मतलब स्वयं हाथ से बटते पत्थर से, जैसे मसाला बटे जाते हैं वो हाथ से बटते हैं। सो जैसे कोई मीठे मतलब मिर्ची में इतना तेज नहीं, मिर्ची नहीं खा पाता। मिर्ची में तो सर हम बदनाम है। अच्छा, ये सही बात है, मतलब कुछ लोग बोलते हैं बहुत मिर्ची होती है, वैसी नहीं होगी। अच्छा, तो नुकसान नहीं करते, बस थोड़ी बहुत मिर्ची लगती है, वो तो नॉर्मल बात है। गोलगप्पे अगर मिर्ची नहीं लगे तो कोई बात ही नहीं है, तो रोटी तो घर में पेट। हाँ, और बस, और मतलब डेली कितने ग्राहक आ जाते हैं आपके पास? ये नहीं बताऊँगा, ये हमें थोड़ी गिनती रहती है सर। मतलब कितने गोलगप्पे आपके सेल हो जाते हैं? कोई कोई मुद्दा नहीं बताया जाएगा आपको। अच्छा, ये केवल मैं ही जानता हूँ। हजारों में जी, मतलब ये छोड़ो बात। अच्छा, ना हम फेंकेंगे ना कुछ करेंगे, ये तो मुद्दा खोला ही नहीं जाएगा, ना इसका राज बताया जाएगा। अच्छा, और ना ये क्या है। और एक पहली बात ये है, ये कहानी मेरी जिंदा रही। अच्छा, आगे हो नहीं, मतलब जैसे वो ताजमहल वाला सीन है वैसे ही मुझे लगता है। मैं आपसे वीडियो में हजार बार बोल चुका हूँ, मैं अपने हाथ कटवा सकता हूँ लेकिन बता नहीं सकता हूँ। मतलब जब तक हम अपने बच्चों को भी नहीं, हमारे बच्चे जलाने में आ ही नहीं रहे। अच्छा अच्छा, हमारे ये बच्चे, हम तो स्टाफ है पूरा हमारा। अच्छा, तो मतलब आपके बच्चे अभी और कुछ कर रहे हैं? हाँ, पढ़ रहा है हमारे बच्चे, एक बच्चे ने भर्ती देख ली, पास हो गया वो। कितने बच्चे हैं आपके? दो लड़के हैं, लड़की लड़की, लड़की? दो। अच्छा, तो मतलब दोनों मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं? जी हाँ, वो हमारे लेने में वो आएंगे नहीं, किसी पीरियड में नहीं आएंगे सर वो। अच्छा अच्छा, चाहे कितना पैसा मिले वो आएंगे नहीं यहाँ। तो ना हम चाहते कि हमारे बच्चे जलाने में आम है। जब तक आप जिंदा हैं, मतलब जब तक ये बिजनेस रहेगा, उसके बाद बंद, मतलब ये लोग भी नहीं करेंगे। अच्छा, ये तो हमारे दोस्त कार्य करता है ये तो। अच्छा, मतलब सपोर्ट मान लो या बॉडीगार्ड मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन जगाओ इनके हाथ में आ जाए नहीं आई, ऐसी कहानी कुछ नहीं आई। कुछ मैं आपको बताऊं, हकीकत बात बता रहा हूं, कुछ संतों का आशीर्वाद है। अच्छा, संत मतलब आपके कोई गुरु जी होंगे वगैरह? हम क्या है, बचपन गृहस्थ आश्रम मेरा जरूर है, लेकिन हमारी ये क्रिकेट ये खेल कूद कुछ नहीं है, सिर्फ संतों की सेवा करना, आश्रम में रहना, उनको भोजन कराना, मतलब वही लेन। किसको मानते थे आपको, किसके आश्रम में रहते थे आप? हम वृंदावन। अच्छा, माखनदास का सेवा करते थे आप? माखनदास का आश्रम आज भी बना है चार मंजिल। अच्छा, हम गृहस्थ आश्रम जरूर है, लेकिन गिनती हमारे संतों में। और आप कितने पढ़े लिखे हो? मतलब कुछ नहीं, अंगूठा टेक। अच्छा, पढ़ाई लिखाई? बट आपने एक बार बोला था आप मतलब कॉलेज से सीखे थे कुछ, सीखे थे? नहीं, वो विद्या पढ़ी कुंती पुत्रकरण की, मतलब हाँ, लेकिन जो पढ़े स्कूल वाला रोल नहीं है। और फिर हम सब बचपन से तो वृंदावन रहे आश्रम में। तो गाइस, यही है भगत जी का, और मतलब उनका ये है, जब तक मैं हूँ, जब तक ये बिजनेस है, उसके बाद मैं किसी को नहीं बताऊँगा। जैसे ताजमहल का हुआ था, उनके हाथ काट दिए गए थे। आखिरी आए पर हाथ कटवा दूंगा, लेकिन बताऊँगा नहीं, अगर मैंने बता दिया तो मैं खुद पत्थर का हो जाऊंगा। ये मतलब अपने ग्वालियर को ऊपर लेने लाने के लिए आप ये सब कर रहे हैं ना? हाँ, मैं मरूंगा तो जरूर, लेकिन ग्वालियर एकदम इतिहासों में गिनती करके तब मरूंगा। अच्छी बात, पहली बात तो मैंने करा ही था, पहली बात तो मैंने करा ही था। और जो आपकी एक बात है, कोका कोला वगैरह कंपनियों ने अपना राज नहीं बताया, नहीं बताएंगे जब तक चाबी मेरी जेब में डरी है। आप देखो, जब तक इस फ्लेवर की पूरा मतलब कारखाने की चाबी मेरी जेब में, जब तक चाबी हमें खोल पाएंगे, और कोई चाहे कि भारत में कोई कारीगर मिस्त्री मतलब बता रहा हूँ आया दोबारा कारीगर खोल ले, नहीं खोल पाएगा। और कैसे पेट का मरीज हो मनोज, कैसे कितना भी पुराना, तीन दिन में तो साफ कर दूंगा। अच्छा, मतलब जो खाया खाना हजम नहीं होता, और जो भी प्रॉब्लम कच्ची कच्ची कभी कभी डकार आती है, प्रॉब्लम होती है पेट में।
मतलब देसी इलाज है जो मतलब, और मेडिसिन ज़्यादा लेने से भी मतलब बेकार रहता है अपने स्टमक के लिए, तो इसलिए आप देसी इलाज पहले प्रेफर कर सकते हैं। और भगत जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? तो कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूँ आपसे। अच्छा, तो मत लोग आने लगे हैं, भीड़ लगने लगी है, पता है नॉर्मल है। देखिए तो आप कब से खा रहे हैं यहाँ पे टिक्की वगैरह? बहुत दिनों से खा रहे हो। अच्छा, कोई प्रॉब्लम पूछ लो भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी? कोई प्रॉब्लम थी वो सही हो गई हो खाने से? अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी जा सकते हैं, डायलॉग मैंने दिया नहीं आपको, एक आध डायलॉग तो डायलॉग दे दीजिए, अपना डायलॉग कोई फेमस सा दे दीजिए। क्या भाई, कहने का मतलब जो है कि या हंसा मोती चुने या लंगन कर मर जाए, मतलब क्वालिटी बचेगी तो यही बचेगी, और इसके आगे ना आगे है नहीं, कोई चेंज नहीं होगी क्वालिटी में, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, किसी के आगे ना हम बिजनेस ना बिजनेस हम आगे बढ़ाएंगे जे कहो नहीं, हम 3 घंटा सर्विस करेंगे बस। अच्छा, मतलब कितने बजे तक ठेला लगाते हो? 1 बजे से 5-6 बज जाते हैं। अच्छा, तो पूरा माल खत्म हो जाता है? हो जाए ना हो जाए। अच्छा, में टेंशन नहीं। नेक्स्ट डे वही माल रखते हो या चेंज कर देते हो, नया बनाते हो? नहीं, फिर दूसरा नया बनेगा। अच्छा, मतलब ज़्यादा आप नहीं है कि हम फ्रेंची डाल लें और बिजनेस खोल लें, मतलब देसी रहना है, ग्वालियर जैसा है, मतलब इंडियन रहना है अपन को। लेकिन ये दोबारा शब्द मैं कह रहा हूँ, ये ताजमहल दोबारा बनेगा नहीं, भारत छोड़ो और कहीं, उससे भारत तो छोड़ो, भारत तो हम 2 दफ़े जीत गए, कहो तो मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूँ जीतने का, मैं दिखा दूँगा अभी। अच्छा, और ये जितने और भी देश है ना इकट्ठे हो जाए, जब ये बताया ना कि मिर्ची के अलावा जब कहा है बस, मैं उसी दिन अपने काम छोड़ दूँगा। अच्छा, मतलब साइंटिस्ट वगैरह कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बता? अरे यार, मशीन नहीं बता पा रही, कहा है मशीन कहेगी आपको हानकार नहीं करेगी, और ये तो और आयुर्वेद है, मशीन 2 शब्द कहेगी आपसे। अच्छा, चलो वो भी दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, दिखा दीजिए मशीन कहाँ कहेगी, तो मशीन पर लगाओ रोज़ ले जाओ, मशीन कहेगी तो आयुर्वेद है, ये आपको हानकार नहीं करेगी, और उसके पास कुछ जवाब है नहीं है। हम 2 दफ़े चेक हो चुके दिल्ली प्लस पहला नंबर भोपाल, नहीं जनता खाई लेती है, अगर मीडिया खाई लेती है हमें, नहीं मीडिया से इतने कर रहे बोल नहीं बोल पाते, क्यों हम सर ओरिजिनल हैं, चोर नहीं हैं हम, ओरिजिनल हैं हम। तो देखते हैं अपन भगत जी को क्या मिला था। चना लगा दो मेरा, आकर हम झूठा होंगे तो ये तो झूठा नहीं होगा सर। हाँ, ये देखिए भगत जी आए हुए हैं पेपर में, ये कब का है, डेट नहीं है शायद। हाँ सर, रेट होगी डेट 12/2016। हाँ, 2016 का है। और एक काउंटर ऐसा जहाँ सिर्फ पुरुषों को मिलती है टिक्की, तो आप पढ़ सकते हैं पूरा। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि मुझे दोस्त लगा के दिखाओ कहाँ है, बस सिर्फ दोस्त लगाओ मुझे। अच्छा, यही तो कहोगे मिर्ची है सर, बोलो गोलगप्पे, अगर गोलगप्पे में अगर मिर्ची नहीं होगी तो क्या फ़ायदा है, इसके अलावा दोस्त लगा ही नहीं पाओगे तुम, ठीक है काय में लगाओगे सर, साफ सफाई में, क्वालिटी में, भाषा में, काय में करोगे, टोटल अधिकारी हम पे ही है सर, गमलिए सब बाग को जितना अधिकारी है ना, अधिकारी भी आते हैं आपके पास, टोटल अधिकारी है मेरे पास, सिविल में सिविल अक्टूबर आते नहीं आएंगे, 32 हैं अक्टूबर से आएंगे, समझ रहेगा, एयरफोर्स हमारे पास, थाने अदालत हमारे पास, हाई कोर्ट हमारे पास, कॉलेज हमारे पास, समझ रहे, जेल अदालत थाने हमारे पास, हाई कोर्ट पूरा हमारे पास। हम तो मतलब पॉइंट पॉइंट ग्राहक लेते, और जी ग्राहक क्यों हटा दिए पूरे, देखो ना बच्चा ले ना बूढ़े ले, हम सबसे महंगे भी है। सो मतलब मेन उनका ये पर्पस नहीं है बिजनेस बढ़ाना और पैसा कमाना, उनका ये है ग्वालियर को मतलब रिप्रेजेंट करना है इंडिया में, अपन अलग से करना है मुझे सर पैसा में। हम 13 साल की उम्र से मैंने पैसा कमाया सर, आज 9 करोड़पति भी बने, आगे हम बनेंगे भी नहीं, तो अपना नाम इतिहासों में करके जब मरेंगे सर। अच्छा, और पहली बात तो मैंने करा ही दिया, पूरे विदेशन को चैलेंज दे दिया। अच्छा, और भी देश है ना, तुम आ जाओ हमारा भारत का एक मोड़ा खड़ा कर लो, तुम पूरे देश आ जाओ, तुम पीले बाग में हमारे पास ऐसे करे करे ग्राहक है, अपन लोग देसी लोग हैं, मतलब विदेश आ जाए तो मैं अपना ग्राहक ले लूँगा कोई भी, तो तुम बराबर आके खा लो, अपन फैल जाएगी ये देश विदेश फैल जाएंगे, नहीं भी पाएंगे, नहीं भी पाएंगे, हमारे तो प्रैक्टिस है, हमारे तो मोड़ा खाते ही रहते, एक मोड़ा 100-100 टिक्की खा ले और नो टेंशन। तो चलिए अपन भी टेस्ट करके देखते हैं भगत जी के गोलगप्पे, और चलो टेस्ट करके देखते हैं। तो गाइस अभी लेते हैं अपन कुछ लोगों के रिव्यूज़। तो आपने पी ली टिक्की, कितने की पी, मतलब कितने पी? 30 सर। अच्छा, बहुत है सर, 30 में तो धमाका कर दिया। हाँ, तो आप मतलब कब से पी रहे हैं? 6 महीना 7 महीना
भगत जी जानते ही हैं सब। अच्छा, तो मतलब कोई प्रॉब्लम थी आपको या ऐसी मतलब ऐसी देखो क्या है भगत जी की टिक्की वगैरह जैसे पेट वगैरह में कुछ आपके इश्यूज वगैरह हो आप तो 3 दिन आके पी जाओ साहब। अच्छा, तो फायदा तो रहता ही है। मिला है फायदा मतलब क्या है आपको रिलैक्स फील होगा। तीखा जरूर रहता है लेकिन तीखा वगैरह क्या एक टाइम तक तीखा लगता है उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। रेगुलर आने लगोगे आप शुरू में 3 पी हो गए 3-3 करके आपने 2-3 दिन वगैरह 20 तक ही पहुँच गए तो आप 2 या 3 रेगुलर वे में स्टैमिना बन जाता है। स्टैमिना वगैरह आपका थोड़ा स्टैमिना भी बढ़ेगा साथ साथ में पेट के लिए भी अच्छा है। हाँ हाँ, हानिकारक नहीं होता। अच्छा अच्छा, तो इनका यही अच्छा रिव्यू है मतलब कि पेट के लिए अच्छा है और मतलब धीरे धीरे खाओगे तो मतलब खाते रहोगे। देसी मसाले उनके सारे? हाँ देसी हैं, कोई केमिकल नहीं है, कुछ बेकार चीज़ नहीं है, कुछ नुकसान नहीं करता। और अब जो भैया ने खा लिया है बताओ कितने खा पाए? मैंने 20 का खा लिया मतलब 6 खा लिए इनने। इसकी आई? नहीं इसकी नहीं आई, मेरे को नहीं आई इस बार। वैसे मुझे नॉर्मल में आ जाती हैं। वाह, गर्म या कुछ मतलब यहाँ पे आप बहुत बार खा चुके हो ना इसलिए प्रैक्टिस हो गई। कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, सो गाइस यहाँ पे मतलब जितने भी लोग आते हैं मतलब बहुत दिनों से खा रहे हैं और मतलब इनकी टिक्की मतलब जैसे आपके पेट में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी एनीवे मतलब जैसे हार्ट अटैक और मतलब शुगर तो ये कंट्रोल कर देते हैं, ख़त्म तो नहीं कर पाएंगे मतलब कंट्रोल में आ जाएगा। तो बस ऐसी कुछ भीड़ लग गई है यहाँ पे। तो गाइस ये है भगत जी का पानी, ये कलर है, इसमें डलिया चटनी ये वाली, इसी का स्वाद है मतलब। इनकी टिक्की पीने में स्टार्टिंग में कोई दिक्कत होती थी आपको? कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे शुरू से कोई दिक्कत नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सो मतलब अलग ही मतलब कुछ फ़ायदा दिखाई देता है? कुछ कोई घाटा भी नहीं है तो कोई फ़ायदा भी नहीं है। अच्छा, मतलब जो है वो बता रहे हैं टेस्ट के लिए अच्छा है। टेस्ट के लिए अच्छा है। और दुनिया कितने बार आ जाते हो महीने में आप यहाँ पे? हम कम से कम महीना में 4-5 बार आ जाते हैं। कितनी तक की कितनी पी लेते हो? हम पी लेते हैं कम से कम 50-60 रुपये। 50-60 रुपये की? अब तो 10 की 3 ही है ना। अब तो 10 की मतलब पहले कितने की 10 पहले 5 देते थे। अच्छा, जब गोले के अंदर लगती थी तब मतलब जब से गोले के अंदर लगती थी जब से आप खा रहे हो? हाँ। अच्छा, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम 10 साल कुछ होते हैं तो कुछ होगा जब भी खा रहे हो 10 साल से। जो धर्म है वो करना दोस्त होते हैं। तो भाई धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है यहाँ पे, ये देखिए कितने लोग आ रहे हैं। क्या खिलाया हुआ? हाँ, दुनिया में भटकते ही रहा है, दोबारा टेस्ट आएगा नहीं। अच्छा, यारा टेस्ट कहीं मिलेगा ही नहीं? हाँ, भारत तो छोड़ो कोई देश में नहीं मिलेगा, सिर्फ मतलब हमारा खिलाया हुआ ग्राहक घूमता ही रहा है। तो आप लोग कब से आ रहे हो यहाँ पे? भाई साहब मेरे को 1 साल हो गई आते आते। अच्छा, तो महीने में कितने बार खा लेते हो? महीने में लगभग 5-6 बार। बहुत अच्छा, मतलब अलग ही पूरे ग्वालियर में इधर ही स्वाद मिलता है। पहले आगे लगता था इनका, वहाँ पे हमने देखा वहाँ पे था नहीं, हम ढूंढते हमने कल देखा तब आ जाए। और आप कब से आ रहे हो? ये मैं पहली बार आया हूँ यहाँ। अच्छा, पहली बार? पहला टेस्ट है? तो चलो इनका अपन देखते हैं भैया बाद में। हाँ, मैं अभी पहली बार ही आया हूँ भाई, देखते हैं इनका कैसा क्या रिएक्शन आता है। कुछ फील हो रहा है अभी? कुछ मैसेज हो रहा है? हो गया खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अरे मुझे तो लगता है इनको बहुत तेज मिर्ची लग गई। और भाई कैसा लगा आपको? झक्कास तबीयत हो गई एकदम। मतलब कितने दिनों से पी रहे हो? कितने सालों से? तो भजाई में 4-5 साल से पी रहे। तो मतलब महीने में कितने बार खा लेते हो? कितने महीने में? कम 7-8 बार चक्कर लग जाता है। कितने तक की पी लेते हो? कितनी पी लेते हो? मैं 40 तक की पी लेता। अच्छा, तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होती? नहीं, कोई प्रॉब्लम कोई नहीं। बोलते हैं इसको पीने के बाद पेट साफ हो जाता है? बढ़िया, झक्का पेट साफ होता है। और ये सूखी खा लीजिए? नहीं नहीं, कोई नहीं, ज़्यादा कोई मिर्ची नहीं लग रही। नहीं, हाथ में थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं आपके। इतना तो लगता है यार मिर्ची है तो। मतलब इसकी वगैरह कुछ नहीं आ? नहीं, कुछ नहीं। और आपका भी पहली बार था या मतलब पहली बार आ चुके हो? नहीं, हम तो कई बार आ रहे हैं। अच्छा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, बेस्ट। और आपका तो मैंने यही लिया था। तो बहुत भीड़ बन चुकी है यहाँ पे गाइस, ये देखिए।
भगत जी आप और जी हमारे हैं सपोर्टर का गई। अच्छा जी सपोर्ट करने वाले हैं हमारे। अच्छा हम तो एक नाम के मालिक हैं बस। आप ला दो ये कही बात है तुम बनने दो ऐसे। सो गाइस पहली बार मैं खा रहा हूँ और देखते हैं कैसा है। लोग बोलते हैं बहुत मिर्ची है बहुत मिर्ची है। अब मैं खुद टेस्ट करके आपको बताऊँगा कैसा क्या है। दुनिया तो बहुत कुछ बोलती है। आप धर्म की वजह करना बस। हाँ बस नारी तरफ मत आना सर सिर्फ धर्म की वजह। तो अभी तो कुछ फील नहीं हो रहा है गाइस। तो गाइस ये मेरा तीसरा गोलगप्पा। अब शायद मुझे इसकी आने वाली है। आ गई तो गाइस मैंने 20 रुपए की टिक्की पी ली है और मतलब इसकी तो मेरे आती रहती है जहाँ भी मैं खाता हूँ गोलगप्पे वहाँ भी आती है। तो ये नॉर्मल है मेरे लिए। भाई मिलता हूँ आपको पानी पीने के बाद। तो गाइस मैंने तो पी ली है टिक्की 20 रुपए की मतलब 10 की 3 देते हैं तो मैंने 6 टिक्की खा पाई और मतलब और भी खा लेता बस इसकी आने लगी। मैं हर बार इसकी आ जाती है कहीं भी खाता हूँ इसकी तो नॉर्मल है मेरे लिए। तो अब ये खाते हैं आप तो आप महीने में कितनी बार खा लेते हो? मैं महीने में एक बार। अच्छा एक बार के लगभग। तो मतलब आज इस महीने का ही आज खा रहे हो? चलो तो सो भगत जी सूगी लगा दीजिए। तो अपन 20 रुपए का पत्ता लगवाते हैं सूखी टिक्की। अब आपको विश्वास होगा अगर हम ये बात कहते तो आपको विश्वास नहीं होता। नहीं नहीं सर हमने कमीशन तो दिए नहीं हमारे ग्राहक हैं। हाँ मतलब सब लोग तारीफ कर रहे हैं भगत जी की और वो बहुत दिनों से खा रहे हैं सब लोग। कोई नया नहीं है मतलब मैं ही नया हूँ सिर्फ और मेरे को ही बहुत अच्छा लगा। तो आज चटनी डलवा रहे हैं अपन। सुबह आ चुके हैं अपने सूखे पत्ते खाते हैं मतलब तीजी चटनी भी है जो चटनी मेन होती है वो भी डलवाई है अपन ने स्पाइसी करवाया है तो उसको खा के देखते हैं। सुबह अभी अपन खाते हैं सूखी टिक्की स्पाइसी। सुबह अभी मेरे को थोड़ा और पीने का मन कर रहा है तो 10 की पी लेते हैं 3 और। चलो भगत जी मेरे को 10 की और पिला दो मैं संतुष्ट नहीं हुआ। वो ही कहना चाहिए वरना रट्टे दुनिया भर के रट्टे होते हैं फिर। अब दो भैया 20 पीस की मिर्ची में बदनाम है। हाँ मतलब कुछ लोग होते हैं ना सह नहीं पाते। तो भाई भगत जी की हाथ की पहली टिक्की भैया अभी कुछ फील नहीं हुआ। अरे सर 10 की और लेंगे आप। तो
कहता था सीखा लगा सर आप 20 पे फिर पहुंच गए। इतना मिट्टी नहीं खाता नॉर्मल है मतलब मतलब इसकी आने वाली थी पर अभी आ नहीं रही है। तो ठीक है भगत जी मैं चलता हूँ, आऊँगा मैं अगली बार थोड़े दिनों बाद। बड़े प्रेम से आना सर। हाँ इस बार भी मैं प्रेम से आया। ये है उनके दोनों ठेले, तो चलते हैं अपन घर पे, हो गया। और बस और ये इनकी लोडिंग, तो फिर पानी पीते हैं।